फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जेके स्मार्ट क्लासेस। आप सभी को पता है पीएसबीटी का एग्ज़ाम आने वाला है, उसका ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसे आपने अटेम्प्ट करना है ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। कैसा फ्रंट पेज होगा और क्या कौन सी शीट्स आपने यूज़ करनी है वो आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो है, जो आपको फ्रंट पेज है आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, फर्स्ट में आपने कैसा पेज लिखना है। फर्स्ट में पीएसबीटी आईटी एग्ज़ाम जैन 2020 ये आएगा, और नंबर ऑफ अटेम्प्ट शीट कितनी करनी है वो वाली आएगी, और सेकंड आपको सेमेस्टर आएगा, कौन से सेमेस्टर में हो ये आपने लिखना है। सब्जेक्ट कोड लिखना है, कौन सा आप सब्जेक्ट का पेपर है उसका कोड लिखा होगा, 4 नंबर का होता है वो लिखना है आपने। रजिस्ट्रेशन नंबर, जो रोल नंबर होता है वो आपने लिखना है। नेक्स्ट आपका आएगा स्टूडेंट नेम, आपका क्या नाम है वो लिखना है। डेट ऑफ एग्ज़ाम, कौन से एग्ज़ाम को आप पेपर दे रहे हो। सब्जेक्ट नेम, कौन से सब्जेक्ट का नाम लिखना है। कोर्स नेम, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कौन सी कर रहे हो आप वो कोर्स लिखना है, ट्रिपल ई कर रहे हो। इंस्टीट्यूट नेम, आप इंस्टीट्यूट कौन से, मेरचंद पॉलिटेक्निक कौन से हो उसका लिखना है, सत्यम पॉलिटेक्निक का। और फाइल नेम, फाइल नेम सबसे इंपॉर्टेंट है कि कैसा आपने नेम उसका रखना है, ठीक है, ये भी मैं आपको 1 बाय 1 बताऊँगा। सबसे पहले जो इंस्ट्रक्शन है वो सभी बता देता हूँ। सबसे पहले जो पैटर्न है एग्ज़ाम का, पैटर्न क्या आएगा, 25 मार्क्स टोटल आएंगे, ठीक है। उसमें जो सेक्शन ए है वो 15 मार्क्स का आएगा, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, और सेक्शन बी जो है वो 10 मार्क्स का आएगा, ठीक है, बड़े वाला क्वेश्चन उसमें एक करना है आपने। तो 25 मार्क्स जो है डिप्लोमे वालों के लिए है, ये सभी सब्जेक्टिव आएगा, थ्योरी पेपर आएगा आपको, ठीक है। और जो फार्मेसी कर रहे हैं उसको 16 और 16 32 जो मार्क्स का आएगा सेक्शन ए, और सेक्शन बी 16 16 मार्क्स का आएगा। और दूसरा पॉइंट है A4 शीट्स, जो आपने A4 शीट जिसको आप फोटो स्टेट वाले पेपर बोलते हो ना, ये वाले ऐसे पेपर हैं, ये वाले पेपर आपने जो है A4 शीट ऐसी जो पेपर है वो यूज़ करनी है, ठीक है। और इसमें जो मैंने जी पैटर्न जो आपको बताया है वो आपने लिखना है, ठीक है। और उसके बाद आएगा आपको पेज नंबर, पेज नंबर आपने लिखना ही लिखना है, और स्टूडेंट सिग्नेचर ये आपने करने ही करने हैं, और पेज नंबर ये लिखना है, ये आपका आएगा फ्रंट पेज। और इसके बाद आपने जो थ्योरी, जितना भी आपका एग्ज़ाम है जो भी क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करना है। उसके बाद आता है सेकंड पेज। सर, सेकंड पेज में भी यही लिखेंगे? नहीं, सेकंड पेज आपका ऐसा आएगा कुछ। सेकंड पेज में जस्ट आपने पीएसबीटीई डिप्लोमा एग्ज़ाम जैन 2020-22 ये लिखना है, और इसके बाद आपने सभी आपका पेपर लिखना है, और लास्ट में आपने पेज नंबर, जैसे ये सेकेंड पेज नंबर है, और सिग्नेचर ये मस्ट ज़रूरी है, ये लिखने ही लिखने हैं। और जो थर्ड पेज होगा वो भी ऐसा ही आएगा। 8 पेज मैक्सिमम कितने पेज यूज़ करने हैं, 8 पेज यूज़ करने हैं, ठीक है, वो भी सिंगल साइडेड। ये वाला पेज यूज़ किया आपने, इसके साइड बैक एंड यूज़ नहीं करनी, अदरवाइज आपका पेपर जो है काउंट नहीं होगा, ठीक है। ऐसे आपने 7 और पेज यूज़ करने हैं इस, और 1 पेज ये बन जाएगा, टोटल 8 पेज आपके बन जाएंगे। और सेकेंड ये आपको पता चल गया। और अगर ड्राइंग का पेपर है तो आपको जो चार्ट मिलता है, वाइट चार्ट पेपर होता है, एक शीट होती है, उसकी सिंगल साइड यूज़ करनी है, ठीक है, वो आपने सेंड करना है। पेज नंबर और साइन के बारे में आपको मैंने बता दिया है। और पेपर जो है रीडेबल होना चाहिए, ठीक है, पेपर जो है क्लियर दिखना चाहिए। अगर पेपर रीडेबल नहीं हुआ तो आपको हार्ड कॉपी कॉलेज जाके सबमिट करवानी पड़ेगी, या फिर आपके 0 मार्क्स जो है वो लग जाएंगे अगर आपको पेपर रीडेबल नहीं हुआ। इसलिए आपने जो स्कैनर यूज़ करना है वो भी मैं आपको बताऊँगा, अच्छे से स्कैन होना चाहिए, देख के फिर आपने सेंड करना है, ठीक है। और सेकंड आता है आपका स्कैनर, जो डॉ स्कैनर, आपने डॉ स्कैनर यूज़ कर सकते हो, अच्छा स्कैनर है। अगर आपके पास कैम स्कैनर है तो कैम स्कैनर भी आप यूज़ कर सकते हो। और नेक्स्ट है जो पेज का, जो आपने पेज बना लिया, कैसे बना लिया, उसका फाइल नेम देना, ठीक है। तो फाइल नेम देने से, फाइल नेम जो है वो कैसे देंगे, सबसे पहले कौन सा सेमेस्टर है वो लिखना है, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट कोड कितना है, 4 नंबर का कोड होता है वो लिखना है साथ में, और फिर रोल नंबर जो होगा वो लिखना है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, आपका सेमेस्टर जो है, जैसे इसमें मैंने लिखा है सेमेस्टर आपका 3rd है, ठीक है, और आपका ये सब्जेक्ट कोड है 9451, ये आपका सब्जेक्ट कोड है, और जो रोल नंबर है ये वाला है। आपने जो क्या लिखना है, कौन सा सेमेस्टर था 3rd, उसके बाद सब्जेक्ट कोड, उसके बाद सारा रोल नंबर, ये आपका फाइल नेम आएगा, ठीक है, ये वाला फाइल नेम देना है। किसी ने अपना नाम नूम लिख के सेंड नहीं करनी फाइल। किसका फॉर्मेट होना चाहिए, PDF फाइल होनी चाहिए, ये नहीं कि फोटोस जो है आपने इसकी खींच के सेंड करके एग्ज़ाम में दे देनी है।
वो भी आपका काउंट नहीं होगा। और उसके बाद आता है कॉलिंग सिस्टम, आपका जो पेपर है वो जूम ऐप या फिर गूगल मीट, वो आपको बता देंगे इंस्टीट्यूट वाले, उसके अकॉर्डिंग आपने ज्वाइन होना है। और 15 मिनट पहले, अगर 9:30 बजे पेपर है, आपको 9 बजे जो है वो आपको जो है लोकेशन जो है लाइव लोकेशन जो है वो सेंड करनी है, ठीक है। अदरवाइज़ आपका अगर 2 लोकेशन सेम होगी तो पेपर आपका कैंसिल हो जाएगा। तो ऐसे आपने जो पेपर है वो लिखना है। अभी मैं आपको स्कैन करने जा रहा हूँ, जैसे कि ये मैंने पेपर अभी सामने बैठा हुआ हूँ कैमरे के, ऐसे ही आपने कैमरे के सामने बैठ के लिखना है, ठीक है, रीडेबल मोड में। और उसके बाद जब वो पेपर आपका हो जाएगा इसको स्कैन करना है। तो ये मैंने मान लीजिए 2 पेपर जो है स्कैन, 2 पेपर मैंने फिल किए इतना एग्ज़ाम में। और यहाँ पर नंबर जो अटैम्प्ट शीट है यहाँ पर आपने 2 लिखनी है, ठीक है। अगर 2 फिल कर रहे हो तो 2 लिखनी है, अगर नंबर ऑफ अटैम्प्ट शीट 8 कर रहे हो तो 8 लिखनी है। अगर आपने 10 अटैम्प्ट कर दी तो आपकी जो पहली 8 जो है वो ही चेक होंगी, 9 और 10th नहीं चेक होंगी, इसलिए आपने 8 शीट ही यूज़ करनी है, ठीक है। ये आपको पता चल गया कैसे स्कैन करना है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। फाइल नेम भी वहाँ पे मैंने इस पे बता दिया है, वहाँ पे भी बता देता हूँ, चलिए देखते हैं। आपको बता ही दिया है डॉ स्कैनर जो है आपने कर लेना है। इसको मैं ओपन कर रहा हूँ, ये ओपन कर दिया मैंने, इसको मैंने स्कैन करना है। इसको फाइल को आपकी शेडो नहीं आनी चाहिए, ध्यान से आपने इसको स्कैन करना है। जैसे यहाँ पर शेडो जो है वो आ रही है, इसको ध्यान से और रीडेबल मोड में आना चाहिए मैक्सिमम। तो ऐसे आपने जिसको मैक्सिमम ऐसे क्लिक कर लिया आपने, ठीक है। और ये मैंने देख रहा हूँ, इतने देखो ये ब्लर आ रही है, ठीक है। तो आपकी ब्लर जो है वो ऐसे नहीं आनी चाहिए, इसको ऐसे कर देता हूँ एक बार, देखते हैं कैसी आ रही है। तो ऐसे रीडेबल मोड में आपकी देखो थोड़ी ब्लर आ रही है, तो ऐसी जो है वो नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज़ आपका पेपर जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आपने जो रीडेबल मोड में इसको रखना है, तो आगे से फिर से मैं इसको जैसे ये मैंने नाम लिखा है, तो आपको जब आप स्कैन कर लोगे, एक स्कैन करोगे उसके बाद सेकंड फोल्डर पे ऐसे स्कैन सेकंड स्कैन करोगे, उसके बाद आपने फाइल नेम देना है। यहाँ पर ये रमनदीप लिखा हुआ है, रमनदीप पे यहाँ पर आपने फाइल नेम रखना है, ठीक है। फाइल नेम जैसे कि कौन सा पेपर था आपका, जैसे आपका पेपर था 3rd semester का 3rd paper है, और सब्जेक्ट कोड क्या है 9451, ये आपका सब्जेक्ट कोड है। और आपका जो रोल नंबर है, ठीक है, ये रोल नंबर 1, ये मैं रोल नंबर लिख देता हूँ ऐसे, ये टोटल जो है वो 17 जो है 17 होने चाहिए, ठीक है। अगर 17 नहीं होंगे तो आपका जो है वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर 17 है टोटल, इसको ओके कर देना है। तो ये आपका फाइल नेम बन जाएगा। यहाँ से क्लिक करके यहाँ पर आपने PDF पे क्लिक करना है, ये आपकी PDF बन जाएगी। तो यहाँ से आप इसको कंप्रेस भी कर सकते हो, ठीक है, कंप्रेस भी कर सकते हो। यहाँ से आप इसकी जो है आपने, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, देखिए पहले इतनी थी, ठीक है, इतनी है, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सा कंप्रेस करके ऐसे, अब इतनी KB जो है इसकी कम हो जाएगी। शेयर से भी आप कर सकते हो, शेयर से भी आप देखो व्हाट्सअप Gmail, तो यहाँ पर Gmail आ गया, Gmail पे आपने ये ऐसे लॉगिन हो जाएगी। यहाँ पर आपको कॉलेज की जो ID दी है, ये देखो आपका फाइल नेम आ गया, आपने चेक कर लेना है अच्छे से। और यहाँ पर SCP जो भी आपका EEE जितना जो भी आपकी ID होगी जो आपको कॉलेज प्रोवाइड करेगा, ये वाली ऐसे, उस पर आपने ऐसे gmail.com ऐसे इसको करके आपने सेंड कर देना है। और ये चीज़ आपने यहाँ पर कंफर्म कर लेनी है Gmail पे जाके कि आपकी जो है बार बार सेंड नहीं करनी, ठीक है। तो आपने Gmail पे जाके ये चेक कर लेना है, यहाँ पर सेंड पे जाके आपने देखना है कि आपकी जो, ये देखो ये फाइल है, ये आपकी सेंड पे आ गई है, इसका मतलब आपकी जो फाइल है वो चली गई है। बार बार सेंड नहीं करनी, ठीक है। आपने अपने टीचर को परेशान नहीं करना कि ऐसे सर आ गई है हमारी फाइल, हमारी आ गई है, तो ऐसे यहाँ पे चले जाएगी। तो एग्जैक्ट बस आपने ये देख लेना है कि जो ID है वो आपकी सही जो फिल करनी होगी, तभी आपकी ये जाएगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।